हेलो, इस वीडियो में मैं आपको AI NPC बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैप में एक ज़ॉम्बी प्लेस कर लो। ज़ॉम्बी के ऊपर एक ट्रिगर प्लेस कर दो। इसके बाद हमें दो NPC ऐड प्लेस करने हैं, एक आइडल एनिमेशन के साथ और एक मूविंग एनिमेशन के साथ। अब ट्रिगर की स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। इफ ब्लॉक लो। इसमें कंपैरिजन डेटा ब्लॉक ऐड करो। यहाँ हमें नो एंट्री डेटा ब्लॉक ऐड करके ज़ॉम्बी को सिलेक्ट करना है। अब वेट ब्लॉक ऐड करो। अपने हिसाब से मिलीसेकंड्स सेट कर लो। अब सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। वैल्यू में एक गेट वेक्टर डेटा ब्लॉक ऐड करो। अब एक्स और जेड की वैल्यू में रैंडम इंट डेटा ब्लॉक ऐड करना है। मुझे सिर्फ रेंज 50 तक की चाहिए, इसलिए मैं 51 लिखूंगा मैक्सिमम में। अब पेट्रोल ब्लॉक लो। टारगेट में ज़ॉम्बी को रखो। पोजीशन सेट करने के लिए गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। अब दो वेरिएबल्स बनाने हैं। इसका नाम आइडल NPC रख दूंगा, इसका नाम मूविंग NPC रख दूंगा। दोनों वेरिएबल्स बूल टाइप में होने चाहिए। अब दोनों वेरिएबल्स को लो। If else ब्लॉक लो। इसमें आइडल वेरिएबल रखो। एक सेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। टारगेट में आइडल NPC रखना है। पोजीशन में ज़ॉम्बी की पोजीशन रखनी है। यहाँ पे कोई भी पोजीशन चेंज करके रख दो ताकि NPC विजिबल ना रहे। इसे कॉपी करो और वेरिएबल चेंज करो। और यहाँ
हमें मूविंग एनपीसी रखना है। अब वेट ब्लॉक ऐड करो। और जो आपने यहाँ पे मिली सेकेंड सेट किया होगा उससे ज़्यादा मिली सेकेंड आपको रखना है। ये अब एक मिली सेकेंड ज़्यादा भी हो सकता है, दो भी, जितना मर्जी, लेकिन कुछ ज़्यादा भी सेट मत कर देना, क्योंकि ये चीज़ उस वेट ब्लॉक के कुछ मिली सेकेंड बाद ही होनी चाहिए। इसलिए मैंने उसमें 1000 मिली सेकेंड लिखा और इसमें मैं 1100 मिली सेकेंड लिखूँगा। पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी करके इसके नीचे ऐड कर दो ताकि कोई ग्लिच ना हो। आइडल एनपीसी के स्क्रिप्ट एडिटर को ओपन करो। मैं यहाँ अभी इसके कोलाइडर ऑफ करने की स्क्रिप्ट बनाऊंगा, आप भी वो स्क्रिप्ट बना लेना। यहाँ पेरेंट सेलेक्ट करो और वैल्यू में जोम्बी को रखो। ये जो जोम्बी की पोजीशन और रोटेशन चेंज करने की स्क्रिप्ट बनाई है, इसे इस पेरेंट वाली स्क्रिप्ट के ऊपर रखना है। यहाँ पोजीशन सेलेक्ट करो और वैल्यू में जोम्बी की पोजीशन ऐड करने के लिए गेट प्रॉपर्टी ब्लॉक लो। अब एक और ट्रिगर जोम्बी के एकदम सामने रखो। ये ट्रिगर प्लेयर को मारेगा, यानी कि ये वो रेंज, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब एनपीसी प्लेयर को देख लेगा सामने से तो एनपीसी प्लेयर को मार देगा। इसका एरिया आप अपनी मर्जी जैसे रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये ट्रिगर जोम्बी के फेस के साइड ही हो। अब ट्रिगर का भी पेरेंट जोम्बी बनाने की स्क्रिप्ट बनानी है। अब प्लेयर स्क्रिप्ट ओपन करो। ऑन प्लेयर ज्वाइन ब्लॉक लो। ऐड टैग ब्लॉक लो। यहां कोई भी टैग लिख दो। इसमें हैश टैग डेटा ब्लॉक ऐड करो। और यहाँ वही टैग लिखो जो आपने प्लेयर स्क्रिप्ट में लिखा था। यहाँ मैं प्लेयर को मारने और उसको कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड्स के बाद रिवाइव करने की स्क्रिप्ट बना दूंगा, आप भी सेम स्क्रिप्ट को बना सकते हो।
वेरिएबल में मैंने गलती से ट्रू और फॉल्स की वैल्यू गलत गलत सेट रख दी है। जैसे मैं चेंज करता हूँ आप भी वैसे चेंज कर लेना। वैसे तो इस वीडियो में जो AI NPC मैंने आपको बनाना सिखाया है वो बेसिक लेवल का है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एडवांस लेवल का AI NPC बनाना सिखाऊं, तो इस वीडियो पे कमेंट कर दो कि एडवांस लेवल का AI NPC बनाना सिखाओ, तो मैं जल्द से जल्द उसका ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।